पुष्कर के राजकीय कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय खोलने को लेकर विवाद सामने आ गया है। शांति भंग होने की संभावना प्रकट की जा रही है। छात्र संघ अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह चाहते हैं कि इसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया करें। वहीं कांग्रेस समर्थित छात्र नेता चाहते हैं कि फिलहाल कार्यालय नहीं खोला जाए। इसको लेकर आज भारी विवाद रहा। पुष्कर के कांग्रेस पार्षदों ने, पदाधिकारियों ने तथा छात्र संघ नेताओं ने कार्यवाहक प्राचार्य को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही छात्र संघ कार्यालय खोला जाए, न कि विवाद को लेकर खोला जाए। छात्र संघ अध्यक्ष चाहते हैं कि कार्यालय खोला जाए। छात्र संघ अध्यक्ष रुद्र प्रताप ने अपने साथियों के साथ कार्यालय खोलने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। उधर कॉलेज प्रशासन ने भी कोई भी स्वीकृति नहीं होने की बात कही। ब्रह्म पुष्कर न्यूज, दिनेश पाराशर। चल रही है, आप सहमत है कि नहीं है? सर मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। हमारी कोई परमिशन नहीं ली है और जो कॉलेज प्रशासन है उसकी मिली भगत और जो अध्यक्ष है वो अकेला मिलकर करा रहा है काम और उसमें हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं है और प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। जो प्रिंसिपल मैडम से हमसे मैंने बात की है तो मैडम बोलते हैं मैं तो 2 दिन से छुट्टी पे हूँ और राकेश सर है तो उनकी परमिशन जो भी है तो कॉलेज वो कर रहे हैं। नाम बताइए आपका। मेरा नाम अरुण सतरावला है, वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कॉलेज पुष्कर। आपका क्या कहना है? हमारा भी ये कहना है कि हम छात्र संघ उद्घाटन के लिए एक्टिव नहीं है तो हमारी इच्छा नहीं है कराने की और वो जो छात्र संघ अध्यक्ष है वो हमारे किसी प्रकार के प्रमोशन नहीं लिए हमारे से और हम नहीं करवाना चाहते। नाम बताइए। विजय सिंह रावत, छात्र संघ महासचिव। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हमारे से बिना पूछे बिना किसी कारण के हमारे से छात्र संघ उद्घाटन करवाने की परमिशन नहीं ली गई है, फिर भी वो छात्र संघ उद्घाटन करवाने के लिए आगे परमिशन ले चुके हैं, वो कल करवाने जा रहे हैं। हमारी बिल्कुल भी हाँ नहीं है इसमें, हम शामिल नहीं है। हमसे ना तो किसी का पूछा गया और ना ही कुछ कहा गया। अगर वो उद्घाटन करते हैं तो आप क्या करोगे? सर हम उग्र आंदोलन करेंगे। कैसे? सर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, कल होने नहीं देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देंगे। जो छात्र संघ कार्यालय यहाँ खोलने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? छात्र संघ के लिए अध्यक्ष आया था हमारे पास, उसने एप्लीकेशन कल के लिए दिया है, हमने अनुमति मांगी है, अभी अनुमति नहीं मिली है वहाँ से। लेकिन दूसरा पक्ष आकर के उसका विरोध कर रहा है कि हम सहमत नहीं है इसलिए होने नहीं देंगे। तो हम जो है प्रशासन से बात करेंगे उसमें कि यहाँ अशांति भंग होने की आशंका है इसलिए इसको स्थगित किया जाता है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश कुमार कहता हिंदी, हम जो है यहाँ पर अभी मेरे पास चार्ज है, 2-3 दिन के लिए मैं प्रिंसिपल बाहर गए।